अल्लाह एंड ए वेरी वेलकम टू ए सीरीज क्लासेज मैंने तोकिराम एंड वेलकम बैक टू अवर लेक्चर सीरीज सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पालना स्कीम के बारे में जानेंगे यूजर्स हैव टू बियर विद मी फॉर नेक्स्ट टू लेक्चर्स नाउ आज की वीडियो में हम पालना के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट मैरिज असटेंस और साथ में लाडली बेटी स्कीम के बारे में जानेंगे सो so स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन जिसमें हम पालना स्कीम के बारे में जानेंगे लास्ट वीडियो में हमने आई के बारे में पढ़ा था पोषण अभियान पोषण ट्रैकर और साथ में पोषण वाटिका के बारे में भी जाना था सो so, आज की वीडियो में हम पालना के बारे में जानेंगे पालना बेसिकली क्या है पालना एक क्रैश स्कीम है यानी यहाँ ये क्रैश क्रैश के रिलेटेड है क्रैश क्या होते हैं अगर आपको पता होगा ये उन बच्चों के लिए स्कूल्स होते हैं जो छः साल छोटे के छोटे के हो छः साल से छोटे होते हैं यूजली जो बच्चे लाइक दो तीन साल के होते हैं उनको क्रैशस में डाला जाता है और वहाँ पे वो क्रैश में क्या करते हैं कि उनका वहाँ पे ख्याल रखा जाता है उनको खेल लाइक खेलने देते हैं वहाँ पे साथ में उनको प्ले बेस्ड मेथड्स के थ्रू तो पढ़ाया भी जाता है थोड़ा बहुत ठीक है तो पालना वही एक स्कीम है हम आगे देखेंगे अभी एक्जैक्टली exactly ये कैसे आई थी वजूद में तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2022 में फोर्टीनथ अगस्त 2022 को लॉन्च किया था बेसिकली पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम था नेशनल क्रेश स्कीम नेशनल क्रेश स्कीम जो थी इसी को रीनेम करके पालना रखा गया तो याद रखना आप नेशनल क्रेश स्कीम का नाम पालना रखा गया एंड इट वॉज लॉन्च ऑन फोर्टींथ ऑगस्ट टू और ये पालना स्कीम जो है ये मिशन शक्ति के अंडर आता है मिशन शक्ति के अंदर दो स्कीम्स आती हैं और उनमें से एक स्कीम है सामर्थ्य सामर्थ्य का ही पार्ट है पालना तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मिशन शक्ति के अंडर आता है आपका सामर्थ्या मिशन शक्ति के अंडर दो स्कीम्स आती हैं उनमें से एक है सामर्थ्य और सामर्थ्या के अंडर ही आता है आपका पालना स्कीम और पालना के बारे में मैंने बोला कि पहले ये हुआ करती थी नेशनल क्रेश स्कीम और अब 14 अगस्त 2022 से इसका नाम पालना रखा गया है इस पालना स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 17,000 थाउजेंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्रैच एस्टैब्लिश करेगी यानी सेवनटीन थाउजेंड आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री उनमें जो है क्रैच एस्टैब्लिश किए जाएंगे यानी वहाँ पे आप बच्चों की देखभाल भी की जाएगी जिनकी यूजुअली जिनकी माएँ वर्किंग मदर्स हैं काम करती है तो वो अपने बच्चों को इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में इन पालना के अंदर या इन क्रैश के अंदर रख सकते हैं जहाँ पे उनकी दिन भर देखभाल की जाएगी ये प्रोवाइड करता है डे केयर फैसिलिटीज़ डे केयर फैसिलिटीज़ फ़ॉर चिल्ड्रन ऑफ़ वर्किंग मदर्स एज सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स तो, तो छः महीने से लेकर छः साल तक के जो बच्चे हैं जिनकी माएँ वर्किंग मदर्स हैं वो वहाँ पर डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी या वहाँ पर क्रेश के अंदर या इन पालना आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर उनको देखभाल की जाएगी इसका मकसद है टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर न्यूट्रिशनल चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो वहाँ पे एक तो बच्चे का ध्यान रखा जाएगा और साथ में बच्चे की न्यूट्रिशनल डिमांड्स को भी वहाँ पे फुलफिल किया जाएगा वहाँ पे उनको लाइक दिन में मील भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में बच्चे की हेल्थ और उसकी कॉर्डिनेटिव डेवलपमेंट यानी उसके दिमाग की डेवलपमेंट का भी ख्याल रखा जाएगा कैसे वहाँ पे उसको प्ले वे मेथड में थोड़ी बहुत चीज़ें भी सिखाई जाएंगी इसका मकसद है टू एनकरेज मोर एंड मोर मदर्स टू फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट क्योंकि आ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनके छोटे बच्चे जिन माओ के बच्चे छोटे हैं वो उनकी केयर उनकी जो डिमांड है उन बच्चों की केयर की उसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट से दूर नहीं होने चाहिए ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए जो नेशनल क्रैश स्कीम के अंडर जो क्रेश चलते थे यानी जो क्रैशज़ ऑलरेडी नेशनल क्रैश स्कीम के अंडर चलते थे उनको एज स्टैंड अलोन क्रैश इंक्लूड किया जाएगा ये मैं आगे आपको बोलूँगा डिटेल में तो अभी के लिए आप याद रखो कि एक नेशनल क्रैश स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम 2022 में पालना रखा गया और पालना मिशन शक्ति के अंडर आता है मिशन शक्ति के सामर्थ्य स्कीम के अंडर ये पालना स्कीम आती है आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी पालना स्कीम का क्या मकसद है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके मकसद इसका मकसद है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द एस्टैबलिशमेंट ऑफ क्वालिटी क्रेश केयर फैसिलिटीज़ यानी क्वालिटी क्रेश केयर फैसिलिटीज़ जहां पे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा साथ में टू सपोर्ट न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉगनेटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एनेबल मदर्स टू टेक अप गेन एम्प्लॉयमेंट ये मैंने ऑलरेडी बोला ये तीन मेन इसके ऑब्जेक्टिवज़्स है ये आपको याद रखने यानी क्रेश के यानी फर्स्ट इज़ द क्वालिटी क्रेश केयर फैसिलिटी सपोर्ट न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एनेबल मदर्स टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट ये तीन ऑबजेक्टिव हैं पालना स्कीम के इसके अंडर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पहले ऐसे जो क्रेशेज आंगनबाड़ी सेंटर्स में बनाए जाएंगे वहाँ पर स्लीपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए यानी छोटे बच्चे जो होंगे ऑब्वियसली वो दिन को सोते भी हैं तो कोई एक साल का बच्चा है वो कभी भी सो सकता है दिन का तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे वो बच्चे सो सकते हैं अर्ली स्टिमुलेसन फ़ॉर चिल्ड्रन बिलो थ्री ईयर्स ऑफ एज जो तीन साल तक के बच्चे हैं उनको अर्ली स्टिमुलेन प्रोवाइड की जाएगी अर्ली स्टूलेशन का मतलब है कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिनसे वो एक तो खेले भी और साथ में उनकी डिवेलपमेंट भी हो उनका दिमाग भी ग्रो करें उनकी जो कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट भी हो प्री स्कूल एजुकेशन फॉर थ्री टू सिक्स ईयर्स जो तीन से छः साल तक के बच्चे हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन उनको थोड़ा बहुत ए बी सी डी वगैरह भी पढ़ाया जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड इट शुड भी इट वुड बी लोकली सोर्स लोकली सोर्स मतलब वहीं पे उनको जिसके बारे में हम आगे देखेंगे आंगनबाड़ी सेंटर्स में पोषण वाटिकाज बनाए जाएंगे और पोषण वाटिका जो होंगे ये बेसिकली वहीं पे किचन गार्डन्स होंगे जो आंगनबाड़ी सेंटर के बाहर होंगे और उनही पोषण वाटिकाज के अंडर जो सब्जियां बनाई जाएंगी जो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक वेजिटेबल्स बनाए जाएँगे वही पका के फिर उनको दिए जाएंगे तो पोषण वाटिकाज जो होंगे वहीं पर जो सब्ज़ियाँ उगाई जाएंगी वही उन्हीं के थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा इन बच्चों को इसके साथ साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन का भी ख्याल रखा जाएगा जो कि पोषण टू पॉइंट ओ के थ्रू इनको प्रोवाइड किया जाता है अब फंडिंग पैटर्न क्या है फंडिंग पैटर्न ये 60 40 फंडिंग पैटर्न है यानी 60 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 परसेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट देगा तो आई होप पालना के बारे में क्लियर हो गई चीज़ें एक क्रेश स्कीम है और इस क्रेश स्कीम के अंडर स्लीपिंग फैसिलिटीज़ अर्ली स्टमुलेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ थ्री ईयर्स एज प्ली स्कूल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन थ्री टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू पोशन वार्टिकल्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही ईजी चीज़ है मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा आपको पूछने की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नेक्स्ट इज द जो स्कीम है पालना स्कीम इसमें दो तरह के क्रैशज़ बनाए जाएंगे फर्स्ट इज़ द आंगनवाड़ी कम क्रैशज़ ये जो ऑलरेडी आंगनवाड़ीज़ हैं उनमें क्रैशिज क्रेश फैसिलिटी एस्टैब्लिश की जाएगी तो उनको आंगनवाड़ी कम क्रैशज़ कहा जाएगा सेकेंड इज़ द स्टैंड अलोन क्रैशज़ अब ऑलरेडी जो नेशनल क्रेश स्कीम है नेशनल क्रेश स्कीम के अंडर जो क्रैशिज ऑलरेडी बनाए गए हैं जो ऑलरेडी एज क्रैशज़ वर्क कर रहे हैं उन्हीं को इस स्कीम के अंडर लाया जाएगा एंड उनको का, कहा जाएगा स्टैंड अलोन क्रैशेस तो पालना स्कीम के अंडर दो तरह के क्रैशेस होंगे एक होगा आंगनवाड़ी कम क्रैशेस जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो क्रैशेस होंगे वो और साथ में स्टैंड अलोन क्रैशेस यानी वो सिर्फ जो ऑलरेडी नेशनल क्रैश स्कीम के अंडर बनाए गए थे वही वाले क्रैशेज़ होंगे और उनको स्टैंड अलोन क्रेशेस कहा जाएगा ठीक है आई होप ये चीज़ क्लियर है अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पालना स्कीम जो है ये मिशन शक्ति के मिशन सब मिशन सामर्थ्य में आता है अभी मिशन शक्ति क्या है मिशन शक्ति को मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया था फॉर वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ये एक लाइक ब्रॉडर स्कीम है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं अब इसी मिशन शक्ति में इन स्कीम इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए दो स्कीम्स हैं दो सब स्कीम्स हैं एक है मिशन संबल और मिशन सामर्थ्य और जो आपकी पालना स्कीम है वो आपकी इसी मिशन सामर्थ्य के अंडर आता है आई होप ये चीज़ क्लियर है कि मिशन शक्ति के अंडर दो सब स्कीम्स आती है मिशन आ, सब स्कीम संबल और सब स्कीम सामर्थ्य जो संबल स्कीम है संबल स्कीम इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड सामर्थ्य इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और आपका जो पालना स्कीम आता है पालना स्कीम सामर्थ्य के अंडर आती है आई होप ये चीज़ क्लियर है संबल जो है संबल एक सब स्कीम है अंडर द मिशन शक्ति जिसके थ्रू जिसके अंडर और स्कीम्स आती हैं लाइक वन स्टॉप सेंटर जिसमें रिक्रूटमेंट भी होती रहती है ओ जिनको कहा जाता है विमेन हेल्पलाइन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो इसी संबल स्कीम के अंडर आती है जो कि मिशन शक्ति का पार्ट है ठीक है तो इसके अलावा जो सामर्थ्य मैंने आपको बोला सामर्थ्य के अंडर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं लाइक वी वेद उज्ज्वला स्कीम स्वदर ग्रह एंड वर्किंग वैन होस्टल इसके अलावा जो मैंने आपको बोला पालना स्कीम वो भी इसी के अंडर आती है आई होप ये चीज़ क्लियर है एंड आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है अगर मैं फिर से इस चीज़ को कवर uh, करूँ तो हमारे पास एक uh, शक्ति स, uh, स्कीम है या शक्ति मिशन शक्ति है मिशन शक्ति के अंदर दो स्कीम्स आती हैं वन इज़ द संबल एंड सेकेंड इज द सामर्थ्या संबल जो है दिस इज रिलेटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वेमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वेमेन एंड जो सामर्थ्या स्कीम है दिस इज़ रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन और इसी सामर्थ्य स्कीम के अंडर आता है आपका मिशन पालना पालना स्कीम जो है वो इसी सामर्थ्य स्कीम के अंडर आता है और जो ये संबल स्कीम है।, है इसके अंडर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है इस इस सारे का एक क्रैक आई होप ये चीज क्लियर है ठीक है